रिजवान अजमल और मैं हूँ रिजवाना सुमरा। तो आज अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और मैं बनाने लगी हूँ पोहा और चाय। आज है सैटरडे, तो सैटरडे संडे हस्बैंड की छुट्टी रहती है तो जनरली हम थोड़ा लेट उठते हैं। अभी करीब सुबह के 9 बज चुके हैं अभी, तो मैं बनाऊंगी पोहा और चाय। मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने स्टार्ट कर दिया है पोहा बनाना। अभी मैंने ऑयल में राय और जीरा और कड़ी पत्ता डाला, ऑनियन डाली और पीनट्स डाल के मैं अभी इसको लाइट ब्राउन होने तक सोते करूंगी इसको। और यहाँ पर मैंने ये लिया है पोहा, जिसको मैंने पानी से अच्छे से 2 बार धो लिया है, तो ये मैंने साइड में रख दिया है। अनियन लाइट ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें हल्दी और नमक भी डाल दिया। तो अभी बस 2 मिनट लगेंगे इसको रेडी होने में। अभी मैं पोहे डाल दूंगी और इसको अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे। तो अभी मेरा पोहा भी रेडी है और चाय भी रेडी है। मैं इसको से हरा धनिया और पोहा रेडी। अगर सुबह सुबह पोहा और चाय मिल जाए, क्या कॉम्बिनेशन है चाय और पोहे का, मजा ही आ जाता है। तो आज हम लोग लंच पे जाएंगे बाहर, हमारे फ्रेंड्स ने हमें आज इनवाइट किया है लंच के लिए, तो उनके घर हम जाएंगे आज लंच के लिए। और मुझे याद है तब तक मैंने आपको ये तो बताया था कि हम कहाँ रहते हैं, इन विच कंट्री, आयरलैंड, बट मैं ये नहीं बता पाई कि कौन से सिटी में रहते हैं हम लोग। हम रहते हैं डबलिन में। तो आज हम बाहर जा रहे हैं तो उसके साथ मैं आपको लंच के बाद हम शायद बाहर घूमने भी जाएंगे, तो मैं आपको डबलिन में हम कहाँ कहाँ जाते हैं वहां पर भी आपको लेके जाऊंगी साथ में और आपको दिखाऊंगी क्या क्या यहाँ पर देखने लायक है डबलिन सिटी में। तो उसके लिए आप इस चैनल पे बने रहिए। हम रास्ते में हैं, फ्रेंड्स के यहाँ जा रहे हैं और हवा बहुत तेज चल रही थी, कुछ अच्छे से वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। और ये वाला माउंटेन अगर आपको याद होगा तो आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, मेरी बालकनी से जो व्यू आता है वो सेम ही है। इसके बाद हम आ गए ये स्क्वेयर मॉल में, ये ताला में है, बहुत बड़ा मॉल है ये। यहाँ पर ये डन स्टोर भी है जो भी एक बहुत बड़ा स्टोर है यहाँ का। हम अंदर तो नहीं गए थे बट मैं आपको बाहर से व्यू दिखाती हूँ पूरा। यहाँ पर प्ले ग्राउंड था तो बच्चे भी थोड़ी देर यहाँ पर खेले। हमें जाना था टॉप फ्लोर पे जहाँ पर आज फनफेयर लगा हुआ था। ये देखिए रिवान, हम मॉल से होकर ये 3rd फ्लोर पे, यहाँ का टॉप फ्लोर पे वहाँ पर आए और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो माउंटेन है कितना नज़दीक आ गया। ये अलग तरीके से ही बनाया है ये पूरा, यहाँ पर फन फेयर लगा हुआ था बच्चों का, तो पूरा एकदम उन्होंने सेटअप बनाया हुआ। शायद ये काफ़ी दिनों से चल रहा था बट हमें आज ही पता चला, तो आज लास्ट डे था तो हमें रिवान को तो यहाँ पर लेके आना ही था और साथ में मुझे आपको भी दिखाना था कि यहाँ के फन फेयर कैसे होते हैं और कैसी कैसी राइड्स होती है यहाँ पर। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि फन फेयर में कौन सी राइड है, बट ये सभी राइड्स में रिवान तो बैठ नहीं सकता है। तो अभी रिवान देख रहा है घूम के कौन सी राइड चूज़ करेगा और रिवान ने ये वाली राइड चूज़ की है, ये है गोल्डन कैरोसेल। और ये वाली राइड देख के उसने बोल दिया था कि मैं यहाँ इसमें बैठूँगा। और एक फनी सी या इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो गई कि जब रिवान इस राइड में बैठा था, इस राइड में कोई भी नहीं था, सिर्फ जब रिवान अकेला था और रिवान के लिए ये पूरी राइड चली थी एंड ही वाज सो हैप्पी। उसको देख के हम लोग भी बहुत खुश हो गए थे कि इज लाइक इज एंजॉइंग देयर, और बहुत ही अच्छा था ये। Thank you.
गोल्डन कैरोसेल के बाद ये वाली राइड थी जो रिवान को बहुत ही पसंद आई, ये यूएफओ राइड थी, बिल्कुल यूनिक ही राइड थी ये वाली। इसमें भी रिवान ने काफी मजे किए, और एक बार तो देखिए हम बड़े हो चुके इसमें फिट भी नहीं होंगे, बट एक बार तो मुझे भी देख के ऐसा लग गया कि काश मैं भी इसमें बैठ पाती। ये हमारे जमाने में तो ऐसी राइड थी नहीं, बट ये बहुत ही एंजॉय कर रहे थे बच्चे यहाँ पर। ये फन फेयर काफ़ी अच्छा था, बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया यहाँ पर, काफ़ी यूनिक यूनिक राइड्स थी यहाँ पर हमको भी देखने को मिली। रिवान काफ़ी दो तीन राइड्स में शायद बैठा हो, और बच्चे फिर थक गए थे बहुत ही पूरा ये घूम के यहाँ पर खेल के। तो फिर हम लोगों ने सोचा हम कहीं और चलते हैं, और मैं भी आप सब लोगों को दिखाऊंगी। इसके बाद हम लोग एक दूसरी जगह पर गए थे, यहाँ का जो मैं बोलूँ तो सबसे बड़ा बच्चों का स्टोर है, वहाँ पर मैं आपको लेके चलूँगी। बट अगर ये व्लॉग मैं कंटिन्यू करूँगी तो शायद बहुत ही लंबा व्लॉग हो जाएगा, और कहीं कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि आप भी बोर ना हो जाओ। तो इसके लिए हम इसके बाद कहाँ गए वो व्लॉग मैं नेक्स्ट व्लॉग में डालूंगी, तो उसके लिए आप मेरा नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं हम नए व्लॉग में नए दिन के साथ, मिलते हैं हम नए व्लॉग में इसी दिन के साथ, तो एंजॉय कीजिए।